से हुई लूट व पुजारिन की हत्या का खुलासा करते हुए पुजारी को गिरफ्तार किया। पुलिस उपायुक्त मध्य सोमिन वर्मा के निर्देशन पर बंथरा थाना प्रभारी रमेश सिंह रावत क्राइम टीम ने मंदिर के पुजारी हत्या और मंदिर में दान पात्र में चोरी का किया खुलासा। 28/9/2020 सुबह 5:40 पर पुलिस को सूचना मिली ग्राम बेंती के मंदिर में रात को चोरी हुई है। चोरी के दौरान चोरों ने उनकी पत्नी की हत्या कर दान पात्र लेकर हुए फरार। पुलिस ने मुकदमा संख्या 364 धारा संख्या 460 के बाद मुकदमा पंजीकृत किया। घटना स्थल पर बंथरा प्रभारी मौके पर पहुंचकर निरीक्षण किया और डॉग स्काउट मंगाकर निरीक्षण शुरू किया। खेत में एक दान पात्र का खाली डब्बा मिला और मंदिर के पुजारी को देखते हुए डॉग स्काउट वहीं खड़े दीप नारायण त्रिवेदी को देखकर भौंकने लगा। पुलिस ने इस नारायण त्रिवेदी को गिरफ्तार कर लिया है। कड़ी पूछताछ के दौरान देव नारायण त्रिवेदी ने अपना गुनाह कबूल कर लिया। उन्होंने बताया, हमारी दो पत्नियां हैं। बड़ी पत्नी का नाम क्रांति त्रिवेदी, इनके दो बच्चे शिवा और छोटू हैं। दूसरी पत्नी जिनका नाम कुसुम त्रिवेदी है, इनके भी दो बच्चे हैं, शुभम और शिवम। मेरी दोनों पत्नियों में आपसी झगड़ा होता रहता था। दिनांक 27/9 को रात 9 बजे बर्तन धोने के पीछे झगड़ा हो गया था। हमने दोनों को समझाया, छोटी पत्नी अपने कमरे में चली गई। बड़ी पत्नी क्रांति देवी नहीं मानी। हम उसको समझाते रहे, आखिर में गुस्से में आकर मैंने अपनी पत्नी का गला दबा दिया, जिससे उसकी मौत हो गई। अशोक कुमार, लखनऊ, समाचार 24। हमें सूचना मिलती है सुबह के समय पे 27/28 के रात में कि मंथरा थाने के अंतर्गत एक जगह पे एक महिला की हत्या होगी, जहाँ पे ये बोला गया कि चोरों ने सेंध लगा के घर के अंदर घुसे और जो है वहाँ पे जब चोरी नहीं कर पाई या जो भी कुछ सामान चोरी किए और जब उस घर की महिला जा गई तो उसको मार दिया। इस सूचना में पुलिस तत्काल मौके पे जाती है, पूरे क्राइम सीन को सेव बचाती है, सेव करती है। उसके बाद उसमें डॉग स्क्वाड को भेजी जाती है। डॉग स्क्वाड भी उस जगह में घूम घाम के उनको पता है डॉग स्क्वाड बाहर नहीं निकलती है, उसी एरिया में रह जाती है। उसके बाद जब क्राइम सीन में सीनियर ऑफिसर द्वारा मुआयना किया गया तो काफी सारी चीजें संदिग्ध लगना शुरू हुआ शुरुआत से ही, कि शायद ये पूरी की पूरी तरीके से चोरी ना हो और ये हत्या का कोई प्रकरण हो। इस सिलसिले में सर्वेलेंस टीम जो हेडेड बाय एसआई राजेश सिंह है, राजेश है, उनके द्वारा टीम को लीड किया गया। इंस्पेक्टर बंथरा इसमें लीड किए, एसीपी जो कृष्णा नगर है वो लगातार इसमें लगे रहे, एडिशनल डीसी मॉनिटर करते रहे। तो धीरे धीरे ये प्रकाश में आ ही गया कि जो महिला है जिनकी दीपिका जिनके नाम है जिनकी हत्या हुई है, उनकी हत्या एक्चुअली उनके पति द्वारा किया गया है। ये उनके पति के पहले पत्नी थे, जब से दूसरी पत्नी से उनकी शादी हुई तब से घर में जो है क्लेश कलह ये चल रहा था, क्लेश कलह चल रहा था। और इनफैक्ट जो पहली पत्नी थी दीपिका जी की मृत्यु है, इसलिए ये जो भी यहाँ पे कमाई होती थी या आमदनी होती थी अपने पास नहीं रखती थी, जो भी गाय वगैरह इनके पास थे उनसे भी जो आमदनी होती थी इन्हीं के पास रखती थी, अपने पास ही रखती थी। इसी चीज को लेकर लगातार वहाँ पर क्लेश वगैरह चली रहती थी। इसके बाद काफी समय से उनके पास झड़प और उनके पास गुस्सा भी हुआ भी हुए हुए थे कि उनको प्लान बना रहे थे किसी दिन मौका मिले तो इनकी हत्या कर दी है। उस नाथ को इन्होंने जब सब खा पी के सो गए तो इनके जो पति हैं जो हमारे एक्यूज हैं वो इनके घर में घुसते हैं, कमरे में जाते हैं और जो है पत्नी को गला दबा कर हत्या कर देते हैं। उसके बाद में पूरे घटनास्थल को एक चोरी की घटना सब्यस्त करने के लिए एक षड्यंत्र रचते हैं और अपने घर में जो है सिंह की तैयारी करते हैं, सिंध बना देते हैं। फिर जब पुलिस आते हैं तो लगातार तरीके से उनको जो है ये गुमराह कर रहे थे। पुलिस इस सिलसिले में जब उनको गिरफ्तार किया फिर उनके बाद से उनके एफआईआर में जो चीजें चोरी की बताई गई थी जिसमें छाता है, पायर है, बिछिया है और कुछ पैसे हैं, वो सारी चीज इन्हीं के पास पुलिस ने बरामद कर ली। इससे एकदम क्लियर हो जाता है वहां पर कोई सामान चोरी नहीं गई, ये पूरी की पूरी घटना एक रचना थी, एक अपने एविडेंस को छुपाने वाली बात थी। और इसी पहली दूसरी पत्नी के विवाद के चक्कर में पहली पत्नी को इन्होंने अपने रास्ते से हटा। लखनऊ में किसान मंच ने प्रेस